पे एक खतरनाक हादसा हो गया देख, और यहाँ पे एक नल मिला जिसमें कि पानी भी नहीं है। डब्लू की ना तबीयत सही नहीं लग रही। सो गुड मॉर्निंग गाइस सभी को, और हर हर महादेव। तो अभी जो है मैं सोकर उठ चुका हूँ, और यहाँ पे हमने टेंट लगाया था देख सकते हैं। तो अभी मैं डब्रू की हरकतें दिखाता हूँ क्या कर रहा है डब्रू टेंट के अंदर। और डब्रू देखो इसके अंदर घूम रहा है, इसके अंदर घूम रहा है बार बार, और इसी के अंदर मतलब उड़ रहा है बार बार। बहुत अच्छा लग रहा है डब्रू, ऐसे रहता है खुश एकदम। अभी उड़ नहीं रहा, उड़ रहा था अभी, तो देखो मजे ले रहा है। आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ डब्रू है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, आपको मजा आ रहा है कि नहीं डब्रू के साथ ब्लॉग देख लेना। गाइस देख सकते हैं डबरू ना मेरे सर के ऊपर बैठ चुका है, मजे ले रहा है नज़ारे के पहाड़ के। तो हम लोग पहाड़ों में देख सकते हैं, और साइकिल पहाड़ों में चलानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैगी बन रही है, तो हम यहाँ पे सुबह सुबह मैगी खा के निकलने वाले हैं। तो दो पैकेट मैगी बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे खा के निकलेंगे। डबरू को अभी हम उड़ाएंगे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये उड़ा दिया और ये डबरू गया, और ये देखना नीचे आ जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक। तो गाइस देख सकते हैं सर पे आके बैठ चुका है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी साइकिल रेडी हो चुकी है, तो अभी हम यहाँ इससे निकलने वाले हैं। और यहीं पे हमने नाइट स्टे किया था भैया के रेस्टोरेंट के सामने, तो भैया ने टेंट लगाने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। यहाँ पे साइकिल हमारी रेडी हो चुकी है पूरी कंप्लीट, तो अभी चलते हैं और आगे क्या क्या होगा सारा कुछ आपको दिखाएंगे। और डबरू को जो है इसके अंदर पैक कर दिया है, इधर डबरू से मिलाते हैं। डबरू भाई ये देखो डबरू है अपनी साइकिल चलते हुए, लोग रास्ते से जा रहे थे पहाड़ों के रास्ते में पैदल पैदल साइकिल चला रहे थे। तो यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाई दी हमें, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे खजूर लगे हुए हैं इधर देख सकते हैं। तो ये खजूर देख करके हम लोग ऊपर आगे चढ़ के यहाँ से, और इधर देखो कितना मस्त नज़ारा है पहाड़ों के बीच, हम साइकिल चला रहे हैं, वहाँ पर मेरी साइकिल खड़ी है, और यहाँ पर खजूर खाने के लिए आए हैं। तो खजूर खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पर मेरी मामी जी से बात चल रही है वीडियो कॉल पर। देखो यहाँ पर पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं आपको, तो यहाँ पर वीडियो कॉल पर बात चल रही है। बाकी अभी यहाँ से खजूर खाते फिर निकलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। मजा आ रहा है, तो अभी खजूर खा रहा था मैं, तो डबरू रह गया था नीचे, तो डबरू को भी ले आया मैं, डबरू की जैसी याद आई। और देखते हैं डबरू अगर खाता तो उसको भी खिलाएंगे। बाकी यहाँ से खजूर तोड़ लेते हैं कुछ खाने के लिए, काम आएंगे, और खजूर खाने से एनर्जी भी आती है थोड़ी बहुत। अभी डबरू के साथ मैं पैदल पैदल चढ़ा के लाया हूँ यहाँ से साइकिल देख सकते हैं। तो यहाँ पर चल तो पानी नहीं रही साइकिल क्योंकि चढ़ाई ऊपर, और यहाँ पर एक नल मिला जिसमें कि पानी भी नहीं है। तो पानी पीने के लिए रुका था लेकिन नल में पानी जो नहीं निकल रहा है, और इसमें क्या जुगाड़बाजी कर रखी है, तो पानी तो आई नहीं रहा नल चलाने से बहुत देर तक चलाया। यहाँ पे डब्रू देख सकते हैं आगे बैठ रखा है, और मैं जो है साइकिल चला रहा हूँ। अब इतने ऊपर आ चुके हैं हम नीचे से देख सकते हैं, और इधर साइकिल चल रही है, डब्रू सामने बैठा है। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है, एकदम पहाड़ी पहाड़ी चारों तरफ, और देखो रास्ता कितना खतरनाक है। ना यहाँ पे बाज आ गया था ऊपर से, तो मैंने जो डबरू को टोकरी में पैक कर दिया है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ से ट्रैक करके और कहाँ तक पहुँचे। तो आपको वो रास्ता दिख रहा है देख सकते हैं, तो रास्ता ऐसे 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 पेड़ों के अंदर होके ये, और ऐसे ये सीधा ऐसे करके ये यहाँ पे ऊपर आए, और आप सोच ही सकते हैं वो देखो रोड दिख रहा है ये मेरी उंगली के पास, वहाँ से पूरा यहाँ तक आ चुके हैं हम ऊपर चढ़ के साइकिल लेके। तो सोचो कितनी मेहनत है पहाड़ों में साइकिल चलाना, रोड आता जा रहा है और मैं साइकिल चलाता रह रहा हूँ, पहाड़ों के मज़े ले रहा हूँ मज़े। तो आपको भी अगर ऐसे मज़े चाहिए तो साइकिल उठाओ और निकल आओ, लेकिन घर की परमिशन लेके आना, बिना परमिशन के मत आना। बहुत लोग हैं जो घर से ऐसे भागा है मुँह उठा के, लोग चढ़ के आए हैं ऊपर, और इधर देखो पहाड़ी पहाड़ है, और अभी हमें इधर ऊपर चढ़ के जाना है, और यहाँ पर हमारी साइकिल खड़ी है, और इधर भी देखो चढ़ाई है पूरी, तो इधर पैदल ही जाना है। और यहाँ पे डबरू जो कि मेरे कंधे पे बैठ रखा है, तो इसको भी अभी खुला छोड़ रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर पैक करके रखना भी सही नहीं है। हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, और डबरू मेरे कंधे पे है, और हाईवे पे अभी साइकिल चलाएंगे हम लोग। इधर देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है, तो हाईवे पे अब साइकिल चलाने लगे हैं। हाईवे पे आ गए अभी हम, एक छोटे रोड पे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई और बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी उस रोड में। डबरू खाना खा रहा है, और हम भी खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, तो पहले डबरू को खिला दिया देख सकते हैं, खा रहा है अभी, और ये भी ऐसे खाता रहेगा, पानी भी पिला दिया इसको भी। आज दोपहर का लंच कुछ इस प्रकार से, और डबरू का हमारा लंच ये है। तो अभी हम जा रहे थे, तो भैया ने ना कबूतर की वीडियो देखी थी इन्होंने, तो भैया ने वीडियो देखी और उसके दूसरे दिन ही हम लोग मिल गए, और यहाँ पे सही भैया लोग हैं, बहुत अच्छा लगा वे लोग से मिल के। हर हर महादेव। मैं जा रहा हूँ और बहुत अच्छा पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, तो डबरू बैठा हुआ नीचे, और पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है ना डबरू को देख के बहुत ही मस्त, सभी बोल रहे हैं डबरू भारत घूम रहा है। देखो आपका भाई बहुत मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ाई है साइकिल, और अभी जो है नीचे की ओर उतर रहे हैं,
और चढ़ाई के टाइम ना हम वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि उस टाइम चढ़ानी होती साइकिल ऊपर। तो अभी जो नीचे उतर रहे हैं और डबरू यहाँ बैठा हुआ है, जितना नीचे उतर रहे इतना हमने ऊपर चढ़ाई थी साइकिल। अभी ना डबरू को पता नहीं कुछ हो गया है, तो अभी डबरू की ना तबीयत सही नहीं लग रही है और पता नहीं क्या हुआ, तो अभी मैंने उसको ना नहला दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी गर्मी लग रही है उसको, तो उसको अभी नहला दिया मैंने, नहला के इसमें पैक कर दिया अभी। और अभी नीचे ऊपर से नीचे उतर रहे फिर से हम लोग और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और पता नहीं क्या हुआ डबरू को, मैंने खाना वाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी। तो अभी चल रहे हैं हम लोग उत्तरकाशी की ओर, बाकी देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं आज। यमुनोत्री जाना है वैसे हम लोगों को, तो साइकिल देख सकते हैं कितनी स्पीड भाग रही है। चल रहा था तो यहाँ पे मेरे को भैया मिले जो कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलकर, भैया ने बातें की और यहाँ के बारे में बताया। आप लोग साइकिल की स्पीड देखो और डबरू देखो बैठा पड़ा है साइकिल पे, और स्पीड देखो कितनी है। यहाँ पे हमारा डबरू मजे लेते हुए और यहाँ पे एक खतरनाक हादसा हो गया देख सकते हैं। तो ये जो डंपर ना यहाँ पे आके टकरा गया डायरेक्ट, और यहाँ पे डबरू बैठा हुआ है। तो ऊपर से ना बहुत ज्यादा मतलब नीचे उतरने का सिस्टम है, जैसे ऊपर पहाड़ पे जैसे उतर रहे थे नीचे बहुत स्पीड से, तो ये शायद मुझे लग रहा है ब्रेक की दिक्कत आई है, तो इस वजह से सीधा पहाड़ी में टकरा गया है। और देखो काफी खतरनाक हादसा हुआ है। मौसम खराब हो गया, तो अभी हम लोग ना इस मंदिर में स्टे करने वाले हैं, देख सकते हैं ये मंदिर है, तो इस मंदिर में स्टे करेंगे। और यहाँ पे हमारी साइकिल डबरू से मिल लीजिए आप, तो इसका ये पिंजरा भी साफ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और बाकी यहाँ पे अपनी साइकिल है, खाना पीना हमें आज बना के खाना पड़ेगा, तो बस आपको सारा कुछ देंगे, बस एंड तक देना। हर महादेव, तो यहाँ पे डबरू बैठा हुआ है और यहाँ पे मैं देख सकते हैं खाना बना रहा हूँ यहाँ पे, और आज टेंट के अंदर खाना बन रहा है पहली बार। तो यहाँ पे हमारी मैगी बन चुकी है और मैं खाने बैठ चुका हूँ यहाँ पे, और इधर दूध गर्म हो रहा है देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई ऐसे प्यारे प्यारे ब्लॉग लाता रहेगा। और आज से जो है पहाड़ों की चढ़ाई जो चालू हो गई है, और पहाड़ों में साइकिल पैदल चलानी पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।